हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरी छोटी सी व्लॉग में। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों अब मैं जा रही हूँ सड़क पर हमारी धान को नरने के लिए, जो हमने धूप पे सुखाने के लिए दिए थे। ये है हमारी धान। अब मैं इसको अपने पैर से उल्टा के दूंगी। हम ऐसे करते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने अभी अभी इस धान को उल्टा के गई हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने हमारे साथ जेलस फील करके यहाँ से मोटर बाइक और साइकिल चला के गई है धान के ऊपर से। देखिए दोस्तों कैसे लोग जेलस फील करते हैं, इसीलिए क्योंकि हमने इस सड़क पर धान सुखाने के लिए दिए है। इसीलिए हमने तो उन लोगों को जाने के लिए आधी रास्ता दे भी रखे थे, फिर भी वो लोग ऐसे ही करते हैं। कितना घटिया है ये लोग, किसी का अच्छा ही नहीं देख सकते। मुझे तो देखते ही गुस्सा आ गई। पता नहीं लोग क्यों करते हैं ऐसा हमारे साथ। भाई उस दिन तो हमारी झाड़ू चोरी हो गई। वहां रखी थी मैंने झाड़ू, और सुबह उठ के देखा झाड़ू है ही नहीं। मैंने झाड़ू देने के लिए जब ढूंढ रही झाड़ू किधर गई, कहीं नहीं ढूंढ पाई। फिर क्या कर सकते हैं, फिर हमने वो कोकोनट की लिप्स लेके आया पत्ते, और फिर नए बनाना स्टार्ट कर दिया और बन भी गए। दो बनाया है मैं और मेरी बाबा मिलके। ऐसे ही करते हैं लोग हमारे साथ। बाहर कुछ छोड़ भी नहीं सकते हैं, कुछ भी ले जाता है। अभी 3:30 बज गए, तो मैं झाड़ू लेकर जा रही हूँ सड़क में से धान को जमा करने के लिए। ये देखिए मुझे कैसे कट रहा है, कितना बदमाश होगा ये पपी। तो मैं जा रही हूँ अब उस धान को जमा करने के लिए, उठाना पड़ेगा। 3:30 बज गए तो रात हो जाएगा, इसीलिए मुझे अभी जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। मैंने सारे धान सेम तरीके से जमा कर लिया इकट्ठे। अब मैं इसको झाड़ू मारूंगा और सफाई करूंगी। दोस्तों मैंने सारे धान झाड़ू मार के साफ कर लिया है। आप लोगों को ये काम जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। मुझे 1 घंटे से ज़्यादा लग गई ये झाड़ू मारने में और ये जमा करने में। और ये मैं हर दिन करती हूँ, जितने देर तक ये सूख ना जाए उतने दिन। तो दोस्तों आज की ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और प्लीज़ लाइक और कमेंट भी कीजिए। Thanks for watching. Bye.